safety must not forget ensuring return of the unfortunate forcibly displaced Myanmar nationals to Myanmar. Your voice. India's voice. Hello दोस्तों, welcome back to our channel Reaction India. तो एक बार फिर से स्वागत है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो है वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट 2023. तो ये जो है 2023 का है ये वीडियो है. बेसिकली इसमें क्या है कि जो इस बार जो मेजबानी कर रहा है ग्लोबल समिट की, वो इंडिया कर रहा है. तो उसमें जो है क्या है, एज अ होस्ट कर रहा है. तो होस्ट में क्या है, एक वर्चुअल बैठक हो रही है ग्लोबल समिट से पहले. तो उसमें कई अलग अलग देशों के लोग जो है, जो ग्लोबल समिट में शामिल होते हैं G20 में, उनको बुलाया गया है. तो वर्चुअल बैठक हो रही है जिसकी मेजबानी इस बार पीएम मोदी कर रहे हैं एज अ इंडिया की तरफ से. तो इसमें जो है एज अ गेस्ट बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको एज अ गेस्ट भी इस बार उनको वर्चुअल में भी इन्वाइट किया गया है और G20 में भी किया गया है. तो देखते हैं क्या है पूरा मैटर, किस पे बात हो रही है और जो है क्या है वॉइस ऑफ ग्लोबल जो है साउथ समिट का. तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं. উন্নয়নশীল অন্তত 120টি দেশ নিয়ে ভারত আয়োজন করেছে দুই দিন ব্যাপী ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিট 2023 শীর্ষক বিশেষ ভার্চুয়াল কনফারেন্স. মানবতা কেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রতিপাদ্যে বৃহস্পতিবার সকালে ইনোগারাল লিডার্স সামিটে নয়াদিল্লির এই আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি. অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ অন্তত 8টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান. সম্মেলনের সূচনা বক্তব্যে নরেন্দ্র মোদি বলেন, বিশ্বের বেশিরভাগ সমস্যায় গ্লোবাল সাউথের কোন দেশের ভূমিকা না থাকলেও এর ভুক্তভোগী সবাই. উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজস্ব মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে তাই এগিয়ে যেতে চায় ভারত. Will last. Most of the global challenges have not been created by the global south. Your voice is India's voice. Your priorities are India's priorities. লিডার্স সেশনে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন. তার মতে বর্তমান সংকটে গ্রহণযোগ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য সম্মিলিত কাজের কোনো বিকল্প নেই. তিনি জানান মানবতার স্বার্থেই টেকসই শান্তি ও স্থিতিশীলতা দরকার. গ্লোবাল পিস এন্ড স্টেবিলিটি মাস্ট বি মেইনটেইনড ফর গ্রেটার বেনিফিট অফ হিউম্যানিটি. দ্য গ্লোবাল কমিউনিটি মাস্ট নট ফরগেট এনশিওরিং রিটার্ন অফ দ্য আনফরচুনেট ফোর্সিবলি ডিসপ্লেসড মিয়ানমার ন্যাশনালস. কথা ও উদ্দেশ্যে ঐক্য থিমের ওপর সমাপনী সেশন হবে দুই দিনের এই ভার্চুয়াল সম্মেলনে. উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্ব পরিস্থিতি, খাদ্য ও জ্বালানি সংকট সহ বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা করবে. দেবাশিস রায়, সময় সংবাদ, ঢাকা. तो ये जो सम्मेलन था, ये G20 से दो दिन पहले की वर्चुअल बैठक थी, जिसमें इन्होंने मतलब साउथ जो साउथ समिट था, इसमें क्या है काफ़ी कंट्रीज जो आसपास में है ना, वो शामिल हुए इसमें जो है. और इसकी मेज़बानी जब इंडिया ने की, उसमें ये बातें रखी गई कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो आसपास की भी है, अगर कोई भी किसी भी कंट्री की कोई ऐसी समस्या है, तो अगर मेज़बानी इंडिया कर रहा है तो वो क्या है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है इंडिया के लिए भी. इस वीडियो में ये कहा गया, पीएम मोदी के द्वारा कहा गया, शेख हसीना के द्वारा कहा गया, कि मतलब एक वैश्विक स्तर पर जो है ग्लोबल समिट जो की जा रही है, उसका मेन पर्पज यही है कि अपनी संसाधनों को लेकर आदान प्रदान कर सके. मतलब अगर इंडिया में कोई ऐसी चीज़ होती है जो बाहर के देशों में, जो आसपास के जो ग्लोबल के देश है, अगर उनको भी वो चीज़ का फ़ायदा मिल सके, तो इंडिया हमेशा आगे रहता है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो इंडिया हमेशा आगे रहता है. इवन पाकिस्तान में भी कोविड के टाइम में बहुत सारी दवाइयाँ, मेडिसिन जो है दी जाती है. तो एक मतलब जो ग्लोब बनता है ना, तो हेल्प के लिए इंडिया हमेशा आगे रहता है. और पीएम मोदी के द्वारा ये भी जैसे कहा गया कि तीन चौथाई जो है, एक मतलब हिस्सा जो है ना, वो मानवता का जो है वो इधर इंडिया के में भी रहता है. मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी है, तो इसके अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं कि
जो लोग है ना वो काफी हेल्पफुल है एक दूसरे के लिए, कंट्री के लिए। इससे मैं समिट में जो है वर्चुअल बैठक में जो है बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, पापुआ हो गया, न्यू गिनी, उज़्बेकिस्तान, थाईलैंड जैसे कई सारे, मंगोलिया जैसे कई सारे देश इसमें शामिल हुए, और जिन्होंने लीडर जो मेन लीडर थे उपस्थित रहे, उसके साथ ये चर्चाएं की गई। उसमें बांग्लादेश की भी शेख हसीना ने भी अपनी बड़ी बात रखी कि देश की कंट्री के लिए जो है जितनी भी होगा इकोनॉमी को बेस्ट करने के लिए जितना भी हो पकेगा वो करेंगे। भारत इस साल मतलब इसकी शुरुआत कर रहा है, उसकी मेजबानी कर रहा है क्योंकि G20 का उनको वो बनाया गया है। तो देखते हैं फिर आगे कि इसमें क्या, अगर कोई अपडेट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और ये था मतलब अभी तक का कि जो कंट्री को लेकर एक दूसरे लोग ग्लोबल स्तर पर जो चल रही हैं बातें वो मतलब काफी हाई लेवल की बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो हम एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।